चलिए अच्छी बात है, आप लोग पहचान रखते हैं। सर भाई कुछ देगा? नहीं अभी मत देना। देखिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे ड्यूचालन संदेश के सर्प मित्र पे। अभी मेरे पास एक रेस्क्यू कॉल आया था रात्रि में। मैं फाइनली इसी स्थान पर आ जाऊंगा जहाँ मुझे फ़ोन किया गया था, और उनसे भी मुलाकात करवाता हूँ जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था। तो भैया इधर आइए, फ़ोन आप ही किए थे ना जी? अपना नाम और पता बताएं। अवधेश कुमार यादव। गांव कौन सा है? आदमपुर मछौरा। डिस्ट्रिक्ट? जौनपुर। आइए तो पूरा बायोडाटा दे देख रहे हैं। साहब कितना टाइम हो गया देखे? कितना टाइम हो गया देखे? एक घंटा हो गया। चलिए तो साहब कौन सा पहचानते हैं आप? चलिए थोड़ा से प्याज को थोड़ा सा हटाएंगे, खींचेंगे अपने तरफ। तो सर यहाँ पूरे रूम के अंदर शायद भ्रमण करने के बाद इस हॉल के अंदर यहाँ पे गया है। दिखाइए जी, बता रहे हैं ब्लैक है और इसके सिर पे कोई निशान बना हुआ है। हमें यही लगता है कि स्फेटिकल कोबरा होगा, और छोटा सा बेबी है, शायद छोटा साइज बता रहे हैं। इसको भी ध्यान में रख के हमें खुदाई करनी है ताकि सांप को चोट ना लगे। चलिए पानी की व्यवस्था करिए, अगर नहीं निकलेगा ऐसे खुदाई से तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे पानी यहाँ और पानी लेके आइए भैया, किसी बाल्टी में। नहीं निकल गया सांप यहाँ यहाँ तक। देख लिया। देखिए सही कर रहे थे, कोबरा है। देखिए चलिए अच्छी बात है, आप लोग पहचान रखते हैं। नहीं अभी मत देना। देखिए इसको साफ करना पड़ेगा थोड़ा। ये हम पानी डालते हैं पहले इसके ऊपर, इसकी मिट्टी थोड़ा सा कि छोड़ जाए। चलिए आप लोग रोशनी बना के रखना, बस अंधेरा होगा। हाँ हाँ डब्बा चाहिए। देखिए किस तरह ये रस्सी बना के अपने आपको चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा, किस तरह गाठे बना लिए। चलिए इसको ले चलते पहले बाहर, फिर इसके बारे में विस्तार से लोगों को जानकारी देंगे। हाँ सही पहचान लिया आपने। थोड़ा सा इस डोगी को हटाइए यहाँ से, यहीं छोड़ते हैं पहले, रखते हैं। इधर आइए। अरे कहाँ भागे जा रहे हो, इधर आइए। इतना बढ़िया नहला धुला गया, साफ किया भाई साहब, आप भागते हुए जा रहे हैं। छोटा सा डब्बा नहीं है, फन नहीं बना रहा। बनाएगा। देखिए अंडे से निकलता है भाई, तब भी इतना ही जहर काम करेगा जितना कि बिग साइज का होता है। ये कभी भूल की गलती ना करे कि छोटा है, इसके अंदर साइज जहर नहीं होगा। जहर उतना ही होता है कि जितने बड़े साइज में होता है। बड़ा कभी कभी काटता है तो सोच बूझ के काटता है, जहर कम छोड़ता है, लेकिन जब भी काटेगा पूरा जहर छोड़ देगा। तो लोगों से निवेदन झाड़ फूँक के चक्कर में बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा खुदाई करने में मेहनत से हो गई। ये देखते हैं। और आप लोग इस सांप को पहचानते हैं ना भैया? एकदम हम कहे उनके सर पे देखा इसे रहा वाला। फन पहले बना रहा था, नहीं बना। देखिए किस तरह पकड़ रहा, देखिए किस तरह काट रहा, देखिए जूते फमला कर रहा है। दादा ये है कितनी तेजी मारा है। देखिए किस तरह काट रहा है, नहीं जा पाएगा।
चलिए तब लाइए दे दीजिए। चलिए रात्रि का समय है, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, पैक करते इसको। तो आप लोग पहचानते कौन सर्फ है? अशिला है, दादाजी कह रहे हैं अशिला है, इनका क्या नाम सही है क्योंकि यह जहरीला है, जहरीले को अशिला बोलते हैं। हाँ रूप रेखा से आप पहचानते हैं दादाजी। तो दादाजी अगर ऐसा साफ किसी को ले कहाँ जाना चाहिए? हाँ दादाजी सही कह रहे हैं, हॉस्पिटल जाना चाहिए। झाड़ फूक के चक्कर में तो नहीं पड़ना है दादाजी? अब बोलिए खाली। नहीं झाड़ फूक के चक्कर नहीं पड़ना है ना, किसी वजह को नहीं, पास नहीं जाना है ना? नहीं दादाजी सही कह रहे हैं, नहीं जाना चाहिए, दादाजी समझदार हैं। दादाजी पढ़ाई लिखाई हुई थी आपके ज़माने में? पढ़ाई लिखाई किए थे आप? कहाँ तक पढ़े थे दादाजी? इंटर। इस ज़माने में अगर दादाजी ने इंटर किया तो बहुत ही बड़ा तीर मारा है। थैंक यू दादाजी। इस टाइम शायद लोग रेलवे में थे या रेलवे रिटायरमेंट? देखिए इसको कैसा हुआ, वो है क्या है? क्या है दादाजी वो बताएंगे? काला काला देखिए, इसके हाँ फन पे ना, हाँ इसके फन पे देखिए देखिए अब दादाजी देखे फन यही से है। हाँ यही से। चलिए थोड़ा सा दूर रहिए दादाजी। थैंक यू दादाजी, अपने टाइम के हीरो थे, पढ़े लिखे हुए इंसान हैं, अच्छी बात है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक बार और जी दादाजी, एक बार हमारे वहाँ निकला था, बहुत दिन बिजली में रहते 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 एकदम बुढ़ा हो चुका था। बुढ़ा हो गया था जैसे कि इतना बड़ा था, बिल्कुल आपकी उम्र का हो चुका था। दादाजी इधर आइए आप। तो दादाजी बता रहे हैं एक सर्फ दिखा था इनको, वो हॉल के अंदर बिल के अंदर रहते रहते बुढ़ा हो चुका था। बिल्कुल अपने आप निकला, अपने आप निकला। हाँ निकल के बाहर, एकदम उसको जोड़ने की शक्ति नहीं, शक्ति नहीं थी, लेकिन वही इसी खाना खाए दावे भी शक्ति में रही थे। तो चलिए दादाजी, सर्फ कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन वह शायद बीमार हो गया था ठंडी के मौसम में। हाँ सर अच्छा सही कह रहा, ठंडी के मौसम में सर्फ जो होता है वो आजकल ब्लड काफी ठंडा होता है, इसको सर्दी सहन नहीं कर पाता, ठंड का मौसम झेल नहीं पाते, इसलिए वह धूप में निकल के बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है साहब। सर्दियों के मौसम में यह गर्मी और बरसात में एक्टिव होता है। देखिए इसको वहाँ फंस वहीं से चलता है। कहाँ से चलता है? भाई ये मत इधर आइए। चलिए इसको समय में ज़्यादा गवाते हैं, उसको हम पैक करते हैं क्योंकि ज़्यादा मस्ती करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह जहरीला सर्फ है, जानलेवा हो सकता है, कभी भाषा हो सकता है। चलिए डब्बे के अंदर चला गया सर, देखिए अपने आप फिर निकल भी रहा। दोस्त जाना तो इसी में है तुम्हें, बस करिए हमारे ऊपर मत आइए, हमारा पैर पकड़ने से कल्याण नहीं होगा। थोड़ा सा आप जाके भगवान के चरणों में गिरना, वहीं आपका कल्याण होगा। कल आपको ऐसी जगह छोड़ेंगे वहाँ इंसान शायद नहीं मिलेंगे आपको। यह काफ़ी एक्टिव है। चलिए हाँ लगाया नहीं हूँ, नीचे गया ना, फिर थोड़ा सा जानकारी देंगे। दादाजी आप तो पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट नाम इसका नाजा नाजा, वैज्ञानिक नाम, हिंदी में इसे नाग या फिटार कहते हैं, यह भारतीय नाग है, और इंग्लिश में इसको स्पेटिकल कोबरा बोलते हैं। कौन सा? स्पेटिकल कोबरा जी। कोबरा अपने यहाँ तीन प्रकार के पाए जाते हैं, स्पेटिकल कोबरा, मोनिकल कोबरा। मोनिकल कोबरा को चंद्रनाग भी कहा जाता है देसी भाषाओं में, और एक होता है किंग कोबरा जो सांपों का राजा है, जहरीले सांपों में सबसे लंबा सर्फ होता है। अरे जिस स्टेशन हम रहते थे जी दादाजी, आपसे दादाजी से बात कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा था योगी जो है। हाँ दादाजी हम लोग काम कर रहे थे, इधर देख के बोलिए दादाजी, योगी वहाँ था, योगी पकड़ करके जी जी इसको नाक को ले गया, दूरी पे उसका दांत निकाल दिया। तो दादाजी दांत और तोड़ना इनके साथ किसी तरह का छेड़छाड़ करना नहीं, कानूनन अपराध है, इसलिए वह मरते भी हैं सर दंश होने पे,
क्योंकि जितने भी सपेरा है वह अक्सर अपने पास सांप रखते हैं। क्यों रखते हैं? वह आपसे पैसा ठगते हैं, अगर पास पालतू बना के रखते हैं। वह चलते चलते रास्ते में कहेंगे भाई आपके घर में सांप है, ऐसी कोई कला नहीं है कि चलते चलते कोई बता दे कि इनके घर में सांप है। खुशबू तो नहीं आती। नाग पंचमी के दिन सब 10 रोज 15 रोज पहले पकड़ते हैं। पकड़ते हैं है? पकड़ते तो हैं ना, कौन से रोज में? नाग पंचमी पे, नाग पंचमी के 15-20 रोज पहले रोड़ते हैं। सावन माह में एक नाग पंचमी त्योहार आता है जिसको हमारे गांवी भाषा में पचहिया बोलते हैं। उसमें झूलेला का मौसम होता है, कहते हैं उससे 10-15 दिन पहले वो लोग सांप को पकड़ते हैं। पकड़ते तो है, अच्छा करते हैं, लेकिन जंगल से ना पकड़े, घर के अंदर है सांप को निकाले और रियल पकड़ के पैसा ले। यह नहीं कि अपना पैसा सांप छोड़ के किसी से पैसा ठगे, यह गलती नहीं करिए। क्योंकि आप अपना सांप छोड़ के पकड़ लेते हैं, जिसके घर में सांप रह जाता है ऑलरेडी वहाँ पर रह गया, वह अगर किसी के साथ कोई घटना कर देता है तो मौत तो होनी होनी है। और झाड़फूक वाले आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि झाड़फूक अपना बंद कर दीजिए, दुकानदारी यह ठीक नहीं, कानूनन अपराध है। किसी दिन आप एक्शन में आ जाएंगे तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। सॉरी बैठ गया, शांत हो गया। चलिए दादाजी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो नेक्स्ट मिलता हूँ किसी वीडियो में, किसी चीज में बचाते तब तक हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ दादाजी को, पैर छू के आशीर्वाद लेता हूँ। महाराज जी जय जय हिंद जय भारत।